इंदौर के अन्नपूर्णा के मेन रोड पर स्थित तालाब में मछलियों के मरने की घटना सामने आई है। जल कार्य प्रभारी के आदेश के बाद तालाब का पानी खाली कराया जा रहा है। गंदगी व बीमारी ना फैल सके इसलिए मरी हुई मछलियों के निष्कासन के उपाय किए जा रहे हैं। जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा का कहना है कि तालाब में जितनी भी मछलियां मरी है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। वहीं तालाब के पानी को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। यदि शहर के किसी भी व्यक्ति ने इस पानी में कुछ जहरीला पदार्थ फेंका होगा तो उसकी जांच की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति सामने आता है या किसी तरह की कोई जांच में पता चलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें डिस्पोज किया जाएगा ताकि गंदगी ना फैल सके। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन से लगातार मछलियां मर रही थी और रहवासी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी। पकड़ने वाला था रात में। कैसे मरी मछली है? वो पकड़ने के लिए आता रात में, दो रोज हो गए उसको देखे देखे, बड़े बड़े पोटले बांध करके ले आता है। वो छुट्टी नाव से ढूंढी से वो जाल वगैरह डालता है। अब ये नहीं मालूम वो दवाई डाल दी है उसने या कैसे मरी है। हो सकता है वो जाल में अटक करके घायल होकर मरी हो या दवाई की वजह से मरी हो। कितनी मछली तालाब के लाता है ये? अन्नपूर्णा तालाब। देखरेख कौन करता है इसकी? देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या नगर निगम? नगर निगम के उसमें। अच्छा, करीब कितनी मछलियाँ अभी तक के मृत हुई होगी? ये तो काफ़ी है। तब भी एक अनुमान के मुताबिक अपन क्या गिनती लगाएंगे इसे? कम से कम भी ये मान के चलो कि 60-70 हज़ार तो होगी।